that the Sindh High Court Bar Association extends to the six judges of the Islamabad High Court who had written to me as well. I thank them on their behalf, but I would like to say one thing, that since I've been Chief Justice, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. अदालती मामलात में किसी की मुदाखलत काबिल कबूल नहीं। जब से चीफ जस्टिस बना हूं, हाई कोर्ट्स के किसी जज की जानिब से मुदाखलत की शिकायत नहीं मिली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजी साहब का कराची में खिताब, कहा मुदाखलत के जो वाकयात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के छह जजेस ने रिपोर्ट किए वो उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले के हैं। अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ सोमोचों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में छह रुकनी बेंच 30 अप्रैल को समाप्त करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनुल्ला बेंच में शामिल। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी छह रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी के अलावा गुज़िश्ता बेंच के तमाम अरकान नए बेंच का भी हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में तमाम इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस समेत दीगर इदारों सब ने फुटपाथ पर कब्जा कर रखा है, तीन दिन के अंदर कब्जे खत्म करें। मुतालिका इदारे इसका खर्च मजाज अफसर की जेब से लें। कोई भी इदारा सिक्योरिटी के नाम पर सड़कों को बंद ना करे। अगर ज़्यादा डर लगता है तो रिमोट एरिया में जाकर बैठ जाएं। अवाम पर हमले हों और आप महफूज रहें, ये कहाँ का कानून है? मैंने तो मना कर दिया कि मेरे लिए रूट ना लगाएं। आईजी को कहा है कि अब रूट लगा तो तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे। थोड़ी सी जिंदगी है, क्या तरीका है? वीआईपी बने रहें। नस्ला टावर की ज़मीन फरोख करें और मुतासरीन को अदायगी करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हुक्म, सिंध मुस्लिम सोसाइटी को नोटिस जारी। तिजोरी हाइट्स मुतासरीन के केस में चीफ जस्टिस ने सफसार किया, केस मालिक का इसका मालिक कौन है? वकील तिजोरी हाइट्स ने बताया कि गवर्नर सिंध की अहलिया के नाम पर प्लॉट था। चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि नोटिस गवर्नर हाउस भेजें, कहाँ भेजें? मालिक को ही मुतासरीन का पैसा देना है। कम अज़ कम इखलाकी तकाजा तो है कि आप मुतासरीन को पैसे दें। तमाम पाकिस्तान के इदारों को और तमाम मीडिया के हाउसेस को ये कहता हूँ कि न तिजोरी हाइट्स मेरा है न मेरी अहलिया का है, जिस पर इंक्वायरी जो कर सकता है करे। तिजोरी हाइट्स से मेरा या मेरी फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं, गवर्नर सिंध ने तरदीद कर दी। बोले, टीवी पर खबर चलते देखी है, मैं मीडिया पर यह बात कहता हूँ कि तिजोरी हाइट्स मेरा नहीं है, ये खबरें बेबुनियाद हैं। ऐसी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान ने अमरीकी महकमा खारजा की इंसानी हकूक से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अमरीकी महकमा खारजा रिपोर्ट के मंदरजात गैर मुनसिफाना हैं, मालूमात गलत और ज़मीनी हकाइक से हट करें। ये रिपोर्ट्स वाज़ेह तौर पर दोहरे मेयार को जाहिर करती हैं। रिपोर्ट में गजा और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को नज़रअंदाज या कम किया गया। क्या रिपोर्ट में गजा की तशवीशनाक सूरत हाल को नज़रअंदाज किया जा सकता है? I'd like to appreciate all of you, those who have been given these certificates. I think tomorrow and day after, in weeks and months, we will distribute these certificates in thousands and hundreds and thousands, and that's our aim and that's our motto. Let's hope that together we will turn this into a great opportunity. नौजवान मुल्क में कीमती ज़र मुबादला कमाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हज़ारों डॉलर्स कमाने वाली बच्चियों से मिलकर खुशी हुई, यहाँ ख़वातीन की हौसला अफजाई करने आया हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, नौजवानों के मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म हैं, मुल्क में नौजवानों पर सरमायाकारी करेंगे। ज़िला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग से तीन दहशतगर्द जहानम वासिल, दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह कर दिया। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की। हलाक दहशतगर्दों में सरगना सुहेल उर्फ उजमातो और हाजी गुल उर्फ जरकावी भी शामिल, हथियार और गोला बारूद कब्जे में ले लिया गया।
दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं, आग का दरिया उबूर करके वज़ीर-ए-आला की कुर्सी पर बैठी हूँ। किसी के खिलाफ फैसला दिल पर पत्थर रख कर लेती हूँ। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का चुंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा पूरे मुल्क में जहां तरक्की का निशान होगा वहां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम होगा। आला कारकर्दगी पर पुलिस अफसरान में इनामात की तकसीम। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पुलिस की वर्दी पहनकर तकरीब में शिरकत की, जिसे सोशल मीडिया पर खूब सराहा गया। शहरियों ने कहा मरियम नवाज ने पुलिस का मोराल बुलंद किया। इलेक्शन में मुबैना धांधली, ओपोजिशन इतिहाद का मुल्क भर में जलसों का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद खाना चकसई ने कहा 5 मई को कराची और 10 मई को फैसलाबाद में जलसा होगा। बोले 8 फरवरी का इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने वाज़ह अक्सरियत से जीता था। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले फॉर्म 47 वाली हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होगा। सुन्नी इतिहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रजा बोले जुलूसों का ऐलान होते ही आईजी पंजाब ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। कल से 15 पार्लियामेंटेरियंस के घरों पर छापे मारे गए। खवातीन पर हाथ डालने वालों के हाथ काट देंगे, मजीद बदमाशी नहीं चलने देंगे, जंगल का कानून ज़्यादा देर नहीं चलेगा। मैंडेट चोरी किए हुए ये लोग जिनको मुसल्लत किया गया है बार बार पाकिस्तान पे और आज पाकिस्तान को यहाँ तक लाने में और खड़ा करने में उनका किरदार है, आज वो दोबारा हमारे ऊपर आ रहे हैं। जो लोग असल जेल के हकदार हैं वो बाहर घूम रहे हैं। जेल के असल हकदार कोई वजीर आजम तो कोई वजीर आला बना हुआ है। अगर हमने इसलाह ना की तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीब से खिताब, कहा हम नहीं चाहते कि कुछ लोगों की वजह से हमारे इदारों के खिलाफ नफरत पैदा हो। ये इदारे हमारे हैं और उनके बारे में नफरत पैदा हो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। खान साहब ने मेरे सऊदी अरब के हवाले से दिए गए बयान पे मेरी सरजनिश की और उन्होंने कहा कि जी ये बयान जो था ये इंतहाई बेमौका दिया गया जो नहीं देना चाहिए था और इस हवाले से मुझे नसीहत की। बानी पीटीआई कह चुके कोई डील कोई मुफाहमत नहीं होगी। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर बानी पीटीआई ने सरजनिश की। पार्टी में किसी फॉरवर्ड ब्लॉक की खबर नहीं, मफरूजों की बुनियाद पर पार्टी में इंतशार की कोशिशें हो रही हैं। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने साइफर गाइडलाइन के हवाले से किताबचा अदालत में पेश किया, कहा साइफर काबिल एहतसाब क्लासिफाइड दस्तावेज़ है। बानी पीटीआई पर साइफर कॉपी वापस ना करने का चार्ज है। वजीर आजम हाउस की जानिब से कॉपी वापस नहीं की गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। फैसल वापटन ने सेनेटर का हल्फ उठा लिया। अपने पहले खिताब में कहा जो कुछ ऐवान में होता रहा अब नहीं होने देंगे, कानून बनाएंगे तो अमल भी कराएंगे, हम कानून की तशरीह करेंगे और कराएंगे। भुट्टो को फांसी देने वाले का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? रेकोडिक केस में अरबों डॉलर का नुकसान कैसे भरेंगे? नस्ला टावर में मासूम बच्चों को बेघर कर दिया गया, यहाँ ऐसे लोग हैं जो चारों तरफ खेल रहे हैं, उन्हें बेनकाब करेंगे। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करार दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन ने ना तो इंक्वायरी की ना ही कोई उसूल देखा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को पूरे हलके की दोबारा इंक्वायरी करवाना चाहिए थी। अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम कर लेता तो लोगों को अदालत ना आना पड़ता। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की तश्कील से मुतालिक अहम बैठक, कमेटियों की तश्कील के लिए मजीद एक हफ्ते का वक्त दे दिया गया। अपोजिशन समेत तमाम पार्लिमानी जमातों को अददी अक्सरियत के तनासुब से कमेटियों की सदारत देने का फैसला। आईपीपी को एक कमेटी देने का फैसला। नून लीग को 13, पीपल्स पार्टी को 8 कमेटियों की सरबराही मिलेगी। पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान को 8 कमेटियाँ दी जाएंगी। पीएसी की सरबराही अपोजिशन को मिलेगी।
लोड शेडिंग से गरीब आवाम परेशान हैं, उन्हें हेस्को और सेपको की राहली पर नहीं छोड़ सकते। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची समेत सिंध भर में गैर ऐलानिया लोड शेडिंग का मामला वफाकी हुकूमत के सामने उठा दिया। वज़ीर-ए-आला की वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात, वफाकी वज़ीर तवानाई का लाइन लॉसेज और नॉन पेमेंट इशूज़ पर इजहार तशवीश। टी20 सीरीज़ के चौथे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। कीवी बल्लेबाजों को ये बड़ा मजमूआ स्कोर बोर्ड पर सजाने की कोशिश। पाकिस्तान टीम में चार तब्दीलियां की गई हैं। मोहम्मद रिजवान, इरफान खान अनफिट हैं। मोहम्मद आमिर, अमाद वसीम, फ़खर जमान और जमान खान को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह को रेस्ट दिया गया है। टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान के दौरे पर, ट्रॉफी की कौमी असेंबली के बाहर नुमाइश। मेगा इवेंट की ट्रॉफी 3 शहरों का दौरा करेगी, लाहौर और एबटाबाद में भी जाएगी। ट्रॉफी हफ्ते को नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के आखिरी टी20 के दौरान ट्रॉफी की कदाफी स्टेडियम में नुमाइश की जाएगी। पाकिस्तान वेमेंस टीम की साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ का क्रिकेट से फौरी रिटायरमेंट का ऐलान। बिस्मा मारूफ ने 276 बैन-उल-अक़वामी मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। बिस्मा मारूफ ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 6,262 रन बनाए, 80 विकेटें हासिल की। ड्रग माफिया इंसान दुश्मन बन गई, एक बार फिर जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से गायब कर दीं। सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर्स के मुताबिक कराची से इंसुलिन समेत 27 अहम अद्वियात मेडिकल स्टोर्स पर दस्तियाब नहीं। इस्लामाबाद और गिर्दोनवा में भी 30 अहम अद्वियात गायब। ड्रैप हुकाम ने दावा मुस्तरद कर दिया, कहा अद्वियात की कोई बड़ी किल्लत नहीं, सप्लाई चेन के इशूज़ हो सकते हैं। रावलपिंडी में मोटरवे पुलिस अहलकार को कुचलने वाली औरत को अदालती रिमांड पर याला जेल भेजने का हुक्म। मुलजिमा फराह के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड से मुतालिक पुलिस की इस्तेदा मुस्तरद। अदालत का मुलजिमा को 9 मई को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुलजिमा के मेडिकल चेकअप की भी हिदायत। अदालत का कहना था आवाज़ टेस्ट के नाम पर खातून का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता, तफ्तीश जेल में की जा सकती है। अफगान दहशत गर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी जारी। अफगान दहशत गर्द के होशरुबा इंकशाफात। गिरफ्तार दहशत गर्द हबीबुल्लाह का पशीन हमले की अफगानिस्तान में मनसूबाबंदी का एतराफ़, कहा हमले के लिए हमारे दो बंदों को रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड और असलहा फराहम किया गया। बॉर्डर तक अफगान तालिबान ने मुकम्मल मदद की। गिरफ्तारी के बाद एहसास हुआ हमें इस हमले के लिए बरगलाया गया। गाज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों का बेरहमाना कत्लेआम। इज्तिमाई कब्रों से हाथ पांव बंधी बरहना लाशें मिलने से दिल कांप उठे। फ़लस्तीनी हुकाम की इज्तिमाई कब्रों से 324 लाशें मिलने की तस्दीक। अक़्वामे मुत्तहिदा भी खौफ का शिकार। शोबा इंसानी हुकूक के सरबराह वोल्कर तुर्क का आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। UN दफ्तर बराए इंसानी हुकूक की तर्जमान रवीना शमदासानी के मुताबिक मुतासरीन को गहराई में दफन करके इस जगह को कचरे से ढांप दिया गया था। अमरीका भी आखिरकार खामोशी तोड़ने पर मजबूर, इसराइल से जवाब तलब। अमरीका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू होने वाला इसराइल मुखालिफ एहतजाज दीगर तालीमी इदारों तक फैल गया। नामवर यूनिवर्सिटियों के तलबा इसराइली मजालिम के खिलाफ निकल खड़े हुए। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैलिफोर्निया, जॉन हॉपकिंस, प्रिंसटन, मैसाच्यूस्टन, शिकागो समेत दीगर यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाज, कई मकामात पर पुलिस से झड़पें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।